न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। अम्बा में वेयर हाउस से खाद बेचकर घर जा रहे मैनेजर को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया। मैनेजर विनोद पांडे के मुताबिक पीछे से आए बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पुलिस ने मौके का मुआयना कर बदमाशों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया है। वेयर हाउस मैनेजर के साथ लूट की वारदात ऐसे वक्त हुई जब प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर पुलिस अलर्ट पर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कल विनोद कुमार पांडे, ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के में यहाँ पर खाद अधिकारी हैं, खाद मैनेजर हैं वेयर हाउस के। उनका काम है प्रतिदिन का किसानों से किसान खरीदते हैं खाद और उसका जो पैसा होता है वो पैसा कलेक्शन होता है उसको अपने घर पर ले जाते हैं, दूसरे दिन बैंक में जमा करते हैं। वो कल करीब 6:20 पर वहाँ से चले हैं वेयर हाउस से पैदल और करौली माता रोड पर पैदल चले जा रहे थे। राइट साइड में कंधे पर बैग टंगा हुआ था काले रंग का। एक बदमाश जो है पीछे से उनका बैग पकड़ करके छीनने का प्रयास किया। उनने बैग को पकड़ा लेकिन वो बद्दी उसकी टूट गई और उसको लेकर के छीन करके और आगे मुंह बांधे हुए था, ये सफेद कपड़े से मुंह बांधे था वो बदमाश। पब्लिक भी वहाँ रोड पर जब जो अपने अपने घर के सामने थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो वो कट्टा निकाल करके उनको भयभीत करके और आगे मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी थी उस मोटरसाइकिल में बैठ करके दोनों बदमाश भाग गए। सबके दायरे में अभी तक किसी को अरेस्ट भी किया? सबके दायरे पर इसमें तो CCTV के आधार पर हम पूरे कस्बे का उसके आधार पर उस होलिया के लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से जो पुराने हमारे लूट करने के आरोपी हैं जो संदेही हैं उनको भी उनसे पूछताछ की जा रही है इस तरीके से। अम्बा से अरुण प्रताप सिंह की रिपोर्ट न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज़ आज के साथ।